नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। गन्ने में जो लाल सड़न रोग लग रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गन्ने का लाल सड़न रोग सबसे हानिकारक रोग माना जाता है, यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ने की खेती चाहे जहाँ किसी भी देश या किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र में की जाती है, वहाँ पर इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। कहीं पर कम मिलता है, कहीं पर ज़्यादा मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका नियंत्रण कैसे पाना है, और अगर आपके खेत के आस पड़ोस के खेत में लगा है तो आपके खेत में ना लगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जिससे कि ये जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिल पाए और इसको आप आस पड़ोस के किसान भाइयों को भी शेयर करिएगा। लाल सड़न रोग गन्ने का सबसे हानिकारक रोगों में से एक माना जाता है, जिससे कि हर साल हमारे खेत में लगने वाले लाल सड़न रोग से 20 से 35% तक पूरे क्षेत्रफल में गन्ने की उपज कम हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए हमें अपने खेत में मेढ़बंदी करना आवश्यक होता है। अगर मेढ़बंदी करते हैं तो एक खेत में अगर लाल सड़न रोग लगा है तो दूसरे खेत में या नहीं प्रभावित कर पाता है। मेढ़बंदी से हमें अगर यह फायदा होता है, अगर उस खेत में पानी लगा रहे हैं तो अगर दूसरे खेत में पानी नहीं जाता है तो उससे हमारे दूसरे खेत पर असर कम पड़ता है। यानी यह रोग एक खेत से दूसरे खेत में फैलने वाला फफूंदीजनक रोग है। इस रोग में प्रभावित फसल की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जो बाद में सूख जाती हैं और गन्ने की वृद्धि रुक जाती है, और गन्ना लाल पड़कर सूख जाता है। और सूखे हुए गन्ने को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें लाल रंग का गन्ने में घुआ दिखाई पड़ता है और उसमें अल्कोहल जैसी गंध आने लगती है। इस रोग का संक्रमण एक खेत से दूसरे खेत में फफूंदी द्वारा फैलता रहता है। इस रोग के लक्षण हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर तक दिखाई देते रहते हैं। इस रोग से ग्रसित पौधे में गन्ने की तीसरी और चौथी पत्ती किनारों और साइड से सूखने लगती है, और धीरे धीरे पूरे पौधे में इस रोग के संकेत दिखाई देने लगते हैं और हमारा पौधा सूख जाता है। इस रोग से बचाव करने के लिए हमें बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अगर जिस खेत में लाल सड़न रोग लग जाता है उस खेत को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हम किसान भाइयों को रोपण के लिए लाल सड़न से रोग से मुक्त यानी कि स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए। बीज का चयन करते समय हमें गन्ने की पलई या ऊपर का हिस्सा यानी कि गन्ने का 1/2 भाग ऊपर का या 1/3 भाग ऊपर का लेके हमें गन्ने की रोपाई करनी चाहिए, जिससे अंकुरण भी अच्छा होता है और गन्ने में लाल सड़न रोग का प्रकोप भी कम हो जाता है। समय समय से अपने खेत में हमें निगरानी करते रहना चाहिए। अगर कहीं पर भी लाल सड़न रोग से ग्रसित पौधा आपको दिखाई पड़ता है तो उसे उखाड़ कर यानी कि उसे जड़ से उखाड़ कर वहां से कहीं खेत से दूर ले जाकर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, और उसी जगह पर 1 या 2 मुट्ठी ब्लीचिंग पाउडर लेकर आप वहां पे डालते हैं तो वहां पे जो फफूंदी रह जाती है वो नष्ट हो जाती है। तो इससे हमें जो दूसरे पौधे पर लाल सड़न रोग का प्रकोप नहीं हो पाता। रोगी गन्ने की पेड़ी नहीं रखनी चाहिए, और उस खेत में लाल सड़न रोग वाले खेत में जिसमें आपके खेत में लाल सड़न रोग से गन्ना आपका बेकार हो रहा है उस खेत में आपको 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोपण के समय हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। 20 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर का प्रयोग हम क्यारियों में पानी के साथ करते हैं। लाल सड़न रोग के नियंत्रण के लिए हम रसायन का प्रयोग करते हैं, जैसे कार्बेंडाजाइम, बावास्टीन और थायोफिनेट मिथाइल 70% का भी हम प्रयोग करते हैं। इन सब का प्रयोग हम यूरिया में मिला के अपने खेत में बुरकाव कर सकते हैं। अब आवश्यक बात यह है कि गन्ने की रोपाई करते समय हमें गन्ने के बीज को शोधित कर लेना चाहिए, या फिर बावास्टीन से या हेक्टोर स्टाफ से हम अपने गन्ने के बीज को संशोधित करते हैं और उसे 30 मिनट छांव में सुखाने के बाद अपने खेत में उसे रोपते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।